एक तरफ से होली की खुमारी धीरे धीरे सर पर चढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनज़र गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार ने कहा कि लोग होली का आनंद जरूर उठाएं, लेकिन कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए। वहीं उपायुक्त ने यह भी कहा कि होली को लेकर जगह जगह शांति समिति की बैठक हो रही है, ताकि किसी भी तरह का सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े। वहीं सोशल मीडिया पर भी विशेष नज़र रखी जा रही है। हालांकि लोगों ने भी 2 गज की दूरी का पालन करते हुए पर्व मनाने की तैयारी पूरी कर ली है। होलिका दहन से ही पर्व की खुमारी सिर पर चढ़कर बोलने लगती है, फागुन के गीतों से वातावरण गुलजार रहता है। पर कोरोना वायरस के कारण उपायुक्त ने यह अपील की है कि सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार शांति व सौहार्द से होली का पर्व मनाया जाए। आगामी होली में और सुबह बारात दोनों आगे पीछे 28 और 29 तारीख को है, और इसके बाद एक गुड फ्राइडे का भी पर्व आ रहा है। यहाँ हम लोगों के द्वारा जो शांति समिति की बैठक की गई है, उसमें होली बहुत ही सादगी से और कोविड के नियमों को देखते हुए, उनका गाइडलाइन जो है कोविड का है, उसमें सभी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए मनाने का हम लोग को गुमला जिला वाले निर्णय लिए। और आने वाले होली के गुमला जिले के सभी व्यक्तियों को जिला प्रशासन गुमला की ओर से बहुत बहुत बधाई। वहीं SDPO मनीष चंद्र लाल ने कहा कि जिले में होली का पर्व मनाया जाएगा, पुलिस पर्व को लेकर पूरी तरह से चौकस है, हुड़दंग मचाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। हम पूरे गुमला वासियों को कोविड इस महामारी कोविड के समय में होली को ज़्यादा भीड़ भाड़ के रूप में ना मनाएं, घर पर रहें, अपने परिवारों के साथ खेलें, ज़्यादा बाहर निकल कर खेलने की आवश्यकता नहीं है। हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, और होली हम हर साल मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। कोविड को देखते हुए आप लोग सतर्क होकर, पुलिस की तरफ से हम लोग की तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से की गई है, जिसमें हम लोग भीड़ भड़क का जहाँ पर होली खेलने वालों को थोड़ा हम लोग समझाए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उस संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोविड एक महामारी जो कोविड है, उसमें हम लोग दूरी बनाकर और घर पर रहकर ही होली खेलें। GN भारत भी आप लोगों से अपील करता है कि कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए होली के पर्व का आनंद उठाएं।